बारे में अगर कोई किसी साइड करता है तो या तो वो पागल है, पागल ही कहो उसको भी, पागलावा नहीं, पागल ही। और ऐसा कौन सा आदमी है जो उनके उनसे काम ना लिया, काम निकलने जाने के बाद वो विरोध भी करते हैं। दुख का विषय यही है भाइयों, परेशानी का विषय है कि माननीय प्रमोद तिवारी को रामपुर में प्रचार करना पड़े, लोगों से मिलना पड़े, ये बहुत दुर्भाग्य की बात। ऐसा नेता ना आया ना आएगा, ना भूतो ना भविष्यते। रामपुर खास का जिस दिन ये चिराग बुझेगा ना, इनको साया छाया नहीं मिलेगी। लोग ऐसे आएंगे और चौराहे पे तमाचा मारेंगे और लोग ऐसे पागल की तरह देखते रहे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज इन्हीं की देन है कि कोई आदमी पर नहीं मार पा रहा है, हर आदमी फ्री घूम रहा है रामपुर में। आप रात को 2 बजे 1 बजे मोटरसाइकिल से पैदल, महिलाएं पुरुष बच्चे कहीं भी घूमो, अगर आप सही हो तो आपको कोई टच करने वाला नहीं, ये निश्चित है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं। आप घूम के देखिए, अब किसने नहीं उनके पास गया, अब किसने उन्होंने किसकी मदद नहीं की। दुख का विषय कि जिनकी उन्होंने मदद की वही विरोध करना चाहते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये जो हमारी विधायिका जी है रिया मोना, इनका कोई जोड़ने की शालीनता का तो कोई जोड़ ही नहीं। दामाद भी बहुत अच्छे है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और भी जगह के नेता जाके देखो गाली देते हैं, गाली देते हैं, एक बात सुनने को राजी नहीं। अपनी बात को नल नाली खरीदा, पुल पुलिया, जहाँ से पेट का पानी हिलना बंद हो जाए समझो रामपुर आ गया। और भी जगह की सड़कें जाके देखो, पुल देखो, अराजकता देखो, राजनी देखो, डकैती देखो, चोरी जमारी देखो, लेकिन रामपुर में आप बिल्कुल अमन चैन से हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आंख बंद करके आप ही डिसीजन ले लीजिए। उनके साथ जो जुड़ा है निश्चित रूप से अगर अच्छी सोच लेके जुड़ा है तो निश्चित आगे गया, चाहे जिसका नाम ले लो। लोग लड़ने आते हैं प्रमोद तिवारी से, लड़ने आते हैं भाई पागल हो। ऐसा कौन सा गांव है जिसका उसका समर्थक, उसके पास 4 व्हीलर ना, 75 गांव है, एक एक समर्थक के 2-2 गाड़ी है, 75 दुनी 150 गाड़ी का तो काफिला अगर लगा दिया जाए तो सांगीपुर से राजीकर चौराहे तक तो 150 गाड़ी तो यही उनकी खुद की समर्थकों की हो गई, बाकी 150 नेताजी की होगी। तो लड़ेगा कौन, कौन लड़ेगा, किसी में दम नहीं। मोना देवी नंबर लीडर, आप देखिए कहीं उनका कहीं देखा है आपने छिछोरापन की, आए वही कुछ नहीं। 5 साल बीतने जा रहे हैं, मौका आ रहा है 27 में, बढ़िया इलेक्शन होगा, फर्स्ट क्लास होगा, फिर जीतेंगे। हाँ, 5 दिन पहले विरोधी खूब इलेक्शन लड़ेंगे, मैं हरा दूंगा आपकी, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ऐसा करते करते लास्ट में जाएंगे फाट पर अति घोड़े भाई यात्रा आएगी।